गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल एट होम? कैसे हो आप सब? ओके, मैं आप रेणुका केवल रमानी हूँ। मैं आपका इस ईयर से सोशल साइंस लेने वाली हूँ। सो आपका वेलकम है ई लर्निंग में। एंड आपने 6, 7, 8 में सोशल साइंस किया ही है, जिसमें आपको कुछ चैप्टर्स हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, सिविक्स के आते हैं। उसी तरह 9th में भी आपको सोशल साइंस जो है 3 यूनिट्स में बांटा गया है। फर्स्ट यूनिट जो है वो है वर्ल्ड एंड इंडिया। उसमें जैसे बताया गया है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमारे इंडिया में कैसे रूल किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रिवॉल्यूशन एंड न्यू वर्ल्ड की तरफ मूवमेंट एंड इन पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में, और जो वर्ल्ड था आफ्टर 1945 में कैसे था, वो सारे चैप्टर्स हमारे फर्स्ट यूनिट में आते हैं। इससे हमें पता चलता है ये हिस्टोरिकल पार्ट है हमारा। सेकंड यूनिट जो है वो है मेकिंग ऑफ मॉडर्न नेशन, दैट इज उसमें हमारे सिविक्स के टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, जैसे फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया गया है, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, एंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट उसके बारे में दिया गया है, इंडियन जुडिशरी, इंडियन डेमोक्रेसी हम सेकंड यूनिट में सीखेंगे। एंड यूनिट 3 जो है वो है इंडिया इट्स लैंड एंड पीपल। इंडिया जो है उसके इंडिया में जो इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन है एंड फिजियोग्राफी है, उसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दिया गया है उसमें, और ड्रेनेज सिस्टम जो है उसके बारे में, हमारा क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ स्टाइल, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 1। जो चैप्टर नंबर 1 है वो है राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो आज हम इसके डिटेल्स, इस लेसन का डिटेल्स हम जानेंगे कि इस लेसन में जो ब्रिटिशर्स हैं वो कैसे हमारे इंडिया में आए एंड उन्होंने, यूरोपियंस ने क्या किया एंड क्या हुआ, तो हम सारा डिटेल्स इस लेसन में अभी जानेंगे। सो जो फर्स्ट है हम जानेंगे एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड से जो इंडिया है उसका एक इनकम्पेरेबल पोजीशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक, कल्चर एंड रिलीजियस हेरिटेज। इंडिया में लोग जो है हमारे इंडियन कल्चर से, इंडियन रिलीजियस हेरिटेज से काफ़ी प्रभावित हैं हमारी इकोनॉमी की वजह से। एंड ड्यू टू द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, कल्चर एंड हेरिटेज है, अलग अलग पार्ट से, अलग अलग कंट्रीज से हमारे इंडिया में लोग आते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारे इंडिया में लोग आते हैं बिकॉज ऑफ अवर कल्चर एंड अवर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड And there was lot of demand of Indian goods in European countries. कौन सी चीज़ों की डिमांड थी वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज में? स्पाइसिस की, मुस्लिन, सिल्क क्लॉथ, इंडिगो एक्सेट्रा। सो यूरोपियंस ने, जब यूरोपियंस ने हमारे साथ, इंडिया के साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया थ्रू द लैंड एंड सी रूट। लैंड एंड सी रूट से वो लोग ट्रेडिंग करते थे किस चीज़ों की? जो चीज़ें उन्हें चाहिए थी, लाइक स्पाइसेस, सिल्क, मुस्लिन क्लॉथ एंड ऑल, उन सब की। सो इनका एक सेंटर प्लेस था जिसका नाम है इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल, जो तुर्की में है। इस पर आपको MCQ, वन सेंटेंस, ट्रू फॉल्स वो आ सकता है। एंड फिर जो तुर्की मुस्लिम है उन्होंने इनका ये रूट क्लोज कर दिया था इन 1453 सेंचुरी में। बट अब यूरोपियंस को इन गुड्स के बिना रहा नहीं जा रहा था, उन्हें तो ये गुड्स चाहिए थे। सो उन्होंने क्या किया, एक न्यू सी रूट डिस्कवर किया कि उन्हें ये गुड्स चाहिए, ये चीज़ें चाहिए ही थी। तो उनके दिमाग में आया कि हम एक नया सी रूट डिस्कवर कर लें। सो यहीं से एक नया पीरियड स्टार्ट हुआ, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी। वी कैन से एरा ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्कवरी बिगिन फ्रॉम हेयर।
सो आई एक्सप्लेन यू डिस्कवरी ऑफ सी रूट, जो उन्होंने नया सी रूट बनाया उसमें क्या क्या हुआ. सो लेट्स कम एंड सी डिस्कवरी ऑफ द सी रूट. डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया. जो पोर्चुगीज किंग है प्रिंस हेनरी, उन्होंने एक इंस्पिरेशन दिया, एनकरेजमेंट दिया एंड इकोनॉमिक हेल्प दी पोर्चुगीज ने, कि एक एफर्ट्स लिया, एक ब्रेव कमिटमेंट लिया कि हम न्यू रूट जो है वो निकाल लेंगे. सो कुछ ब्रेव जो थे लोग, उनमें से एक बार्टोलोमेयु डेस, उन्होंने रास्ता खोज निकाला, एक न्यू रूट डिस्कवर्ड किया जिसे हम कह सकते हैं कैप ऑफ गुड होप. वो डिस्कवर करने चले थे इंडिया के लिए, एक इंडिया के लिए न्यू रूट जिसे उसे उन्हें बनाना था. एंड इस ब्रेव पर्सन ने कैप ऑफ गुड होप तक का रास्ता निकाल लिया. एंड विद द इकोनॉमिक असिस्टेंस, इकोनॉमिक असिस्टेंस मिली थी, इकोनॉमिक हेल्प मिली थी किससे, जो किंग है स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबियस, उन्होंने क्या सोचा कि एक एडवेंचर बिगिन करता हूँ, कि डिस्कवर करता हूँ न्यू सी रूट को, न्यू सी रूट मैं खोजता हूँ. जो अगेन कहाँ पहुँचे, एक आइलैंड पे पहुँचे जो प्रेजेंटली आज वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है, एंड जो सिचुएटेड है वो कहाँ है, एटलांटिक ओशन में. एंड कोलंबस को क्या लगा, उन्होंने जो सी रूट खोजा है वो इंडिया में आ गए हैं, बट वो इंडिया में नहीं आए थे, उनको एक बिलीव था कि ही रीच्ड इन इंडिया, बट उन्होंने जो सी रूट डिस्कवर किया था न्यूजीलैंड पे, उसे क्लैरिफाई किया था, क्लैरिफिकेशन दिया था अमेरिगो वेस्पुची ने, एंड उस लैंड को, न्यू लैंड को नाम दिया गया अमेरिका, वो आज अमेरिका के नाम से जाना जाता है. कोलंबस को बिलीव था कि वो वहाँ इंडिया में पहुँचे हैं, बट वो वहाँ नहीं पहुँचे थे. अब हमने देखा कि किंग जो थे प्रिंस हेनरी एंड जो कोलंबस थे क्रिस्टोफर कोलंबस, उन्होंने ट्राई किया सी रूट इंडिया आने के लिए, बट वो सक्सेस नहीं हुए. अब जो वास्को डगामा है पोर्चुगीज सेलर, उन्होंने सी रूट जो है डिस्कवर किया इंडिया में 1498 सेंचुरी में, ही डिस्कवर्ड द न्यू सी रूट टुवर्ड्स दी इंडिया. वो कहाँ पहुँच गए थे, कैलिकट में, जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, वो वहाँ पहुँचे. और जो किंग है जामोरिन, उन्होंने उनका अच्छे से वेलकम किया एंड उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. सो इन्होंने यहाँ से न्यू सी रूट डिस्कवर किया एंड बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे उनको अलाउ किया गया बिजनेस करने के लिए. सो ये एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट था इनके लिए, टूवर्ड्स दी अचीवमेंट, इनको एक बड़ा अचीवमेंट मिला ऑल ओवर द वर्ल्ड कि इन्होंने एक सी रूट खोज लिया टूवर्ड्स द इंडिया एंड स्टार्टेड डूइंग द बिजनेस इन इंडिया. ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट था पूरे वर्ल्ड का, एंड इसके वजह से जो यूरोपियंस हैं वो इंडिया में आए, उनको चांस मिला ट्रेडिंग एंड बिजनेस करने के लिए. सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड योर टॉपिक डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इन इंडिया. सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बिगिन विद नेक्स्ट टॉपिक. I hope you will understand all the things and do study well. आप अपना textbook read कर लेना, so that आपको ये जो मैंने आज समझाया वो आपको अच्छे से remind हो जाएगा. Thank you all.